वेलकम टू माय चैनल। आइए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कहाँ काम काज कर सकते हैं और हमने क्या डिस्कशन किया था। तो फ्रेंड्स, 17,700 के ऊपर कॉल के लिए कहा था, जिसने बेटा ऊपर के लेवल 17,725 का एक एसएल बताया था। अगर यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हो तो नीचे के लेवल तक बढ़िया प्रॉफिट बना होगा। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर 41,075 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है और अगर 15 मिनट कैंडल अगर आप देखोगे तो एक हैमर बनी है। नीचे की विक देखो आप, यहाँ से जैसे ही बनी तो आपका एसएल नो डाउट यहाँ आ गया, लेकिन प्रॉफिट के लिए आपकी एंट्री शानदार थी। शानदार एंट्री अगर स्टार्टिंग के 11-12 बजे तक जिसने प्रॉफिट बनाया बना लिया, उसके बाद में कुछ नहीं मिला। इसी के ऊपर का मैंने कहा था कि इसकी ये वाला जो हाई है इसके ऊपर, सॉरी ये 15 मिनट का है, 5 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो मैंने ये कहा था कि इसके ऊपर ही कोई कॉल की पोजीशन। जैसे इसके ऊपर निकला मार्केट, आपको 100 पॉइंट, मतलब ये पॉइंट आ रहा था करीबन 18,500 और उसके ऊपर 100 पॉइंट मार्केट ने आपको दिए। ये चीज है कि लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड करें, मेन चीज वो होती है। तो चलिए बात करते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वनडे का चार्ट एक बार देख लेते हैं, क्या पोजीशन है मार्केट की। अगेन एंड अगेन डोजी बना के अगेन ऊपर निकल गया, ठीक है। अब ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,581 और आई थिंक मार्केट ऊपर की साइड मूव करेगा और फर्स्ट टारगेट इसका हो जाएगा करीबन 17,800 और देन सेकंड टारगेट 17,911। ये दो टारगेट के लिए मार्केट आपको कल या परसों या नेक्स्ट वीक के अंदर आपको मार्केट दिख सकता है। तो ट्रेड किस तरह से करें, डेफिनेटली 17,740 के ऊपर निकलते ही कॉल की पोजीशन। 17,740 जो आज का हाई है, एग्जैक्ट कितना है 50 मान लो, हाँ 50, 17,750 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। उसके ऊपर की साइड का टारगेट हमारा रहेगा 17,810। एसएल फिर आपका आ जाएगा 17,710 का, 40 पॉइंट का एसएल और 60 पॉइंट के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट। देन फ्लैट खुल के नीचे आता है, शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स है। यहाँ पे मिले 17,700 के आसपास मिले तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे मिलेगा तो भी हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। बाय ऑन डिप्स है, नीचे की साइड जितना मार्केट आता है एक हैमर मिल जाए। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक हैमर दिखी है, हैमर के बाद में कंफर्मेशन मिली, बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन यहाँ पे जितने भी नीचे ये एक अगेन हैमर, ये हैमर, तो हैमर आइडेंटिफाई करके एक कॉल की पोजीशन, लेकिन हैमर के साथ में एक कंफर्मेशन कैंडल जरूर होनी चाहिए। गैप अप अगर होता है 17,812 या 815 के पास होता है तो वेट करना, उसके डिप मिल जाए 17,740 के आसपास तक की, तब फिर कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ऊपर के लेवल पे शॉर्ट मत करना, शॉर्ट करोगे तो भी 40-50 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हो ऊपर की साइड में, लेकिन रिजेक्शन कैंडल आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद में। गैप डाउन 17,660 17,600 तक होता है तो डेफिनेटली हम कॉल की पोजीशन के लिए बैठेंगे। बैंक निफ्टी 40,000-41,075 के आसपास बताया था, उसके ऊपर 15 मिनट अगर आपने टाइम दिया तो कॉल की पोजीशन। और सबसे बड़ी चीज है बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अब ऊपर का रेजिस्टेंस करीबन था 41,400 का आसपास का, जहां पे यानी कि एक हैमर बनी है। अब हैमर कंफर्मेशन में आती है, लाइन चार्ट देख लो, ये ठीक है, एक डिप भी दे दिया इसने अपने हिसाब से और ऊपर की साइड भी क्लोजिंग भी दे दी। अब क्या ये यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाएगा या क्या बनाएगा, ये अपन को मार्केट में लाइव में पता चलेगा। तो ट्रेड किस तरह से करें, तो फ्लैट खुल के 41,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, एग्जैक्ट लेवल आपका आ रहा है 41,405, तो 15 मिनट की कैंडल 41,410 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तो कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। एसएल रहेगा उसी कैंडल का लो या फिर ज्यादा ज्यादा 41,300, ये आपका एसएल रह गया। और ऊपर के टारगेट हो गए आपके 41,680 तक के, 41,680 तक के टारगेट ऊपर की साइड हो गए। गैप अप खुलता है तो फिर हम वेट करेंगे एक रिजेक्शन कैंडल का ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने के लिए।
शॉर्ट के चांसेस कम है क्योंकि बैंक निफ्टी रेगुलरली अप मूवमेंट दे रहा है। एक करेक्शन था, डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट हो गया है मार्केट। गैप डाउन तो इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट करे, जैसे यहाँ पे एक हैमर बना के एक मार्केट ने बढ़िया अप मूवमेंट अगेन दिया, यहाँ पे किसी ने फिर खरीदा होगा तो बढ़िया। अब ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट करे। 41,250 तक अगर मार्केट हमें मिलेगा तो हम एक कॉल की पोजीशन देखेंगे। एसएल फिर हमारा रहेगा 41,150 का। गैप डाउन अगर मिलता है तो शॉर्ट शॉर्ट ओनली और ओनली आपके 41,000। इकतालीस 150 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर पुट की पोजीशन बनाएंगे। नीचे के टारगेट फिर आपके 40,900 और 40,800, ये दो टारगेट के लिए नीचे की साइड। और हो सकता है आई थिंक कल मार्केट किस तरह से फ्लैट फ्लैट रह सकता है, जैसे आज भी यानी कि स्टार्टिंग के अंदर ही इसने प्रॉफिट बना के दिया और फिर ऊपर के लेवल पे टाइम पास किया। और अगर इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे अगर ज्यादा बड़ा गैप अप दिखता है तो 41,800 से पहले 41,650, 650 तक का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर 41,800 के आसपास अगर मार्केट मिले तो एक शॉर्ट किया जा सकता है। 41,800 के पास में मिले एसएल फिर हो जाएगा 41,900 का और फिर शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि 42,000 का एक ऐसा लेवल है जहां पे एक मार्केट अगेन टच करके फिर फर्दर डाउनफॉल दे सकता है। प्रॉफिट बुकिंग 42,000 1 फरवरी का हाई भी है तो सेंटिमेंट के हिसाब से भी अब मूवमेंट आपको 42,000 तक आ सकता है। गिरना होगा तो फिर 42,000 के आसपास से गिर सकता है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।